हाय कैसे दोस्तों, मैं हिरेन गोहिल आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पहल क्लासेस बाय हिरेन गोहिल सर में। चलिए आज हम शुरू करते हैं आपका मैथ्स का अगला टॉपिक, क्यूब फाइंड करना, किसी भी दो डिजिट नंबर का। ठीक है, फाइंडिंग क्यूब्स ऑफ एनी टू डिजिट नंबर्स। ऐसे आपको 20 तक के तो क्यूब क्या कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, पर आप में से अधिकतर बच्चों को 10 तक के बहुत अच्छे याद होते हैं। मैं चाहता हूँ 20 तक के क्यूब भी क्या कर लें, याद कर लें। ठीक है, उसके आगे के मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं और उसके अंदर के भी बता देता हूँ। एक फॉर्मूला था ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस 3a² b + 3ab² + b³। ये फॉर्मूले से हम जनरेट करते हैं शॉर्ट ट्रिक, एक मेथड। ठीक है, जैसे आपको मान लो 12 का क्यूब करना है, आपको 13 का क्यूब करना है, आपको 31 का क्यूब करना है, आपको 41 का क्यूब करना है, या आपको 15 का क्यूब करना है। ठीक है, अब जैसे मैं 12 का क्यूब करना है तो इसको ए मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, बी। ठीक है, तो एक का क्यूब क्या, एक, दो का क्यूब क्या, 8। आगे पीछे आपको क्यूब लिखना है इन संख्याओं के। ठीक है, एक का क्यूब एक और दो का क्यूब कितना, 8। अब ए स्क्वायर भी लिखा है तो इसका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 × 2 तो 2, इसका स्क्वायर क्या, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 1 = 4 तो 4, इसका डबल 4, इसका डबल 8। अब एक एक डिजिट आएगी सिंगल स्टेप, इधर एक ही है 8, 8 × 4 = 12 का 2। अच्छा 12 आ रहा है तो हमने 2 लिखा और 1 क्या है सर, कैरी, 4 × 2 = 6 और 1 = 7। ठीक है, अब ये क्या, 1, तो 1728 किसका क्यूब है, 12 का। एक और बार देख लीजिए, जैसे 13 का क्यूब हो तो 13 का क्यूब करना है तो पहले वाली संख्या का क्यूब लिख दो, बाद वाली संख्या का क्यूब लिख दो, दूर दूर। ठीक है, इसका स्क्वायर इंटू ये, तो एक का स्क्वायर एक, एक दिया 3, 3 का स्क्वायर इंटू ये, तो 3 का स्क्वायर क्या, ध्यान से देखना, 3 का स्क्वायर 9, 9 = 9, इसका डबल 18, इसका डबल 6। ठीक है, तो 27 का क्या, 7, पर 2 क्या होगी, कैरी। ठीक है, इधर 27 का 7 और 2 क्या हो गई आपकी, कैरी। अच्छा 9 × 2 = 11, 11 × 18 = 29 का 9, कैरी कितनी, 2, 6 × 3 = 9, 9 × 2 = 11 का 1, और ये कैरी तो आएगा 2197, 2197। सबसे पहले 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, दूर दूर क्यूब लिख दिए संख्याओं के, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 × 3 तो 3, 3 का स्क्वायर 9 = 9, इसका डबल 6, इसका डबल क्या, 18, 27 का 7 लिखा, 2 इधर नहीं लिखना, वो ऊपर कैरी में आएगा, 9 × 2 = 11, 11 का और 18 का योग कितना, 29 का 9, कैरी कितनी, 2, 2 × 5 = 6, 11 का 1, कैरी कितनी, 1, क्योंकि एक ही डिजिट लिखना, ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2। जैसे अब मान लीजिए अगला नंबर क्या आपका 31, अब आपका क्या करना है क्यूब, तो 3 का क्यूब बोलो क्या 27, 1 का क्यूब क्या बोलिए 1, इसका स्क्वायर इंटू ये, तो 3 का स्क्वायर 9 = 9, 1 का स्क्वायर 1 × 3 तो 3, ये रो का मतलब स्क्वायर इंटू ये, इसका मतलब ये स्क्वायर इंटू ये, 9 का डबल क्या 18, 3 का डबल क्या 6, डबल, हाँ स्क्वायर मत कर देना, डबल बोल रहे, डबल मतलब उसी नंबर को उसी में जोड़ देना, 2 से गुणा करना, 1 9, 27 का 7, फिर कितनी 2, 29791। ठीक है, यह आपका 31 का क्यूब था। अब जैसे हमें 41 का निकालना है, अब 41 का क्यूब करना है तो ये 4 का क्यूब 64, 1 का क्यूब 1, इसका स्क्वायर 16 × 16, 1 का स्क्वायर 1 × 4 तो 4, इसका डबल कितना 8, बीच वाले 16 का डबल क्या 32। ठीक है, 4 का क्यूब 64, 1 का क्यूब 1, फिर बीच में हमको क्या कैसे लिखना है, इसका स्क्वायर इंटू ये, 1 का स्क्वायर 1 × 4 तो 4, 16 का डबल 32, 4 का डबल 8, बीच वाली जो संख्या उनका डबल लिखना है। अब जोड़ दो 1, 4 × 8 = 12 का 2, कैरी कितनी 1, 6 × 7 = 8, 9 का 9, अच्छा ये 4 इधर आ जाएगा 49 का तो 4, 49 हो रहा है, अगर आप ऐसे जोड़ते हैं तो 49 का 4 इधर जाएगा, 9 इधर, 64 और ये 4, 68 तो 6 8 9 2 1, आंसर क्या है 6 8 9 2 1। अब जैसे आपका अगला नंबर कौन सा है 15 का क्यूब, तो 15 का जब हमें क्यूब निकालना है तो हम क्या करेंगे, 15 का क्यूब निकालना है तो इसमें 1 का क्यूब पहले, 5 का क्यूब क्या 125 वो पीछे, इसका स्क्वायर इंटू ये, तो 1 का स्क्वायर 1 × 5 तो क्या आएगा 5,
ये 5 का स्क्वायर 25 से कम, 25 बीच वालों का डबल तो 10 हो रही है, 50 ये 5 ये 12, अच्छा 50 और 25 75, 75 और 12 आपका कितना 87। या तो आप ऐसा कर लेंगे 5 और 2 7, 5 7 और 2 8, 87 का आंसर इधर आ जाएगा, 5 और 8 या 10 5 15, 15 8 23 का 3 केरी कितनी 2, ये 2 इधर आया तो ये 3375 3375। अगर जिनको याद हो जानते हो 15 का क्यूब क्या होता है 3375। तो मेथड क्या बोल रही है कि a क्यूब और b क्यूब संख्याओं का क्यूब दूर-दूर लिख दो, फिर पहले वाले का स्क्वायर इनटू सेकंड नंबर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर इनटू फर्स्ट नंबर, फिर बीच में तो संख्याओं का डबल लिख दो और फिर उन्हें जोड़ दो, एक एक स्टेप में एक सिंगल डिजिट लिखना है। जैसे मान लो मैं आपको देता हूं 52 का क्या निकालना है क्यूब, तो 52 का क्यूब निकालना है, 5 का क्यूब क्या 125, 2 का क्यूब क्या 8, इसका स्क्वायर 25 दूनी 50, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20, इसका डबल क्या 40, इसका डबल 100, 8 60 का 0 कैरी कितनी 6, 156 का 6 कैरी कितनी 15, 125 और 15 140, तो 140608, आंसर क्या रहा 140608, ये आपका आंसर है, ठीक है 140608। 52 का क्या था ये इस क्यूब, इसको ये निकालना था कि क्यूब क्यूब, तो 53 का क्या क्यूब। जैसे आपको मान लो 71 का क्यूब निकालना है, तो 71 का क्यूब निकालना है तो 7 का क्यूब बोलो, बोलिए 7 का क्यूब 343, 1 का क्यूब 8, 7 का स्क्वायर 49 बन जा 49, 1 का स्क्वायर 1 इनटू 7 तो 7, इसका डबल 14, इसका डबल क्या 98, 121 का 1 कैरी कितनी 2, नोड दो 11, 11 और 8 19 का 9 कैरी कितनी 1, ये तीनों संख्या इधर आ जाएगी 14, ठीक है 9 और 1 10 और 4 14 ही पूरा इधर लिया है, 149 आया था 9 लिखा 14 इधर, 7 5 और ये क्या 3, तो 357911 ये आपका क्यूब है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बोलूं 34 का क्यूब निकालो, तो आप क्या करेंगे 3 का क्यूब बोलिए 27, 4 का क्यूब क्या 64, इसका क्या करो स्क्वायर इनटू ये, तो 3 का स्क्वायर 9, अब 94 जा 36, अब 4 का स्क्वायर 16, 16 दिया 48, 16 एकम 16, 16 में 32, 16 दिया 48, 48, ठीक है, इसका बीच वाले का डबल, तो इसका डबल क्या 16 का 6 कैरी कितनी 1 और 4 दुनी 8 और 1 96, इसका 72, ठीक है 36 दुना 72, अब यहाँ पे क्या आएगा 4, ये 6 ऐसा का ऐसा, ठीक है 6 और 6 12, 12 और 8 20 का 0 कैरी कितनी 2, 6 और 9 15 इधर कैरी पे, अच्छा 6 15 का कैरी दे दिया हमने, अच्छा 5 और 6 11 और 2 13 का 3 कैरी कितनी 1, 1 2 और 3 5, 5 और 7 बोले 5 और 7 12, 12 इधर कैरी में, 7 और 2 9 और ये 3, तो 39304 ये आपका क्यूब है किसका 34 का। तो आशा करता हूँ आज की शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आएगी, इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेगा तो आपकी आपकी स्पीड और बढ़ सके। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।